एक अरसे बाद यूनाइटेड स्टेट्स आने का, मुझे इस तरफ आने का मौका मिला, वरना मैं ईस्ट कोस्ट से आगे बढ़ता ही नहीं था। मुझे खुला खुला लग रहा है टेक्सस। टेक्सस में मैं मतलब कोई सर, मैं भी ओकारा में पैदा हुआ हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ओकारा, एमसी बॉयज हाई स्कूल ओकारा। जबरदस्त जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ, हम डायरस में मौजूद हैं और आपको नज़र आ रहा है आफ्ताब इकबाल साहब, जिनको हर बंदा जानता है, खबरनाक, खबरदार और तरह तरह के मजाया प्रोग्राम, और हम सब उनको देखते आए हैं। जी सर, वेलकम टू डायरस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप डायरस में आए। पाकिस्तानी कम्यूनिटी एक बहुत बड़ी तादाद में, भैया बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। मेरे इल्म में है कि बहुत बड़ी कम्यूनिटी है यहाँ पर पाकिस्तानियों की, डैलस में भी और ह्यूस्टन में भी। एक अरसे बाद यूनाइटेड स्टेट्स आने का, मुझे इस तरफ आने का मौका मिला, वरना मैं ईस्ट कोस्ट से आगे बढ़ता ही नहीं था। आपको बहुत ज़्यादा खुश आमदी डैलस के अंदर, और हमें अंदाज़ा है कि डैलस की जो कम्युनिटी है बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रही थी, बहुत लंबे अरसे से, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं और आपको सुनना चाहेंगे वो ज़रूर। तो सर, आजकल गर्मी भी बहुत है, कैसा लग रहा है आपको डैलस? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आया हूँ दुबई से, तो आपको तो पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं कि दुबई में इस वक्त गर्मी कैसी है। तो न्यूयॉर्क में मौसम बहुत ठंडा हो गया था, मुझे बाकायदा स्वेटशर्ट पहननी पड़ी, जैकेट पहननी पड़ी, और मौसम इज़ गुड ओवरऑल। मुझे खुला खुला लग रहा है टेक्सस। टेक्सस में मैं मतलब कोई ऐसा प्रॉपरली जैसे शहर में आते हैं वैसा नहीं आया, तो ये पहली दफ़ा इत्तेफाक आया होगा, तो एक आध दफ़ा को ऐसा नहीं कि मुझे जिस पे याद है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। दिस इज़ गुड, कंपैरेटिवली बड़ी अच्छी खुली डुली रियासत है ये, तो इसलिए इट्स गुड। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।